सो हाई गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि आईफोन 14 सीरीज की अगर हम बात करें तो ये जो स्मार्टफोन्स आपको बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। अब इस बार ये जो सितंबर के मध्य में आईफोन 14 सीरीज आपको विजुअली देखने को मिल सकती है और ये जो स्मार्टफोन आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू 13 सीरीज से। तो अगर आप एक प्लान करें आईफोन 14 सीरीज का कोई भी स्मार्टफोन बाय करने का तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो यहाँ पर मैं शेयर करूंगा अब तक की क्या इसकी लीक्स निकल कर आई है, जो कि आपको टोटली अब तक इसकी जो लीक्स देखने को मिल जाती है आईफोन 14 सीरीज की वो आपको मैं टोटली डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या लीक्स देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो वो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4 मॉडल्स, जिसमें आपको 14 और 14 मैक्स, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स देखने को मिलेंगे। डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक साइड में आपको सारे फोन्स का आपको डिजाइन बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें आईफोन 13 सीरीज में देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम डिजाइन के साथ हमें जो आईफोन 14 सीरीज भी देखने को मिलेगी। बट अगर बात करें फ्रंट साइड की तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो प्रो सीरीज है, जहां पर आपको 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स है, वहां पर आपको जब इस बार नॉच नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको जो है आईफोन 14 और 14 मैक्स में नॉच देखने को मिलेगी, जिसका साइज आपको 13 जैसा ही देखने को मिलेगा। बट अगर बात करें प्रो सीरीज की तो वहां पर आपको नॉच पैनल इस बार नहीं देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है चिपसेट। यहाँ पर आपको जो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलेगी A16 चिपसेट। वहीं पर अगर बात करें इसके नॉर्मल सीरीज में, जहां पर आपको 14 और 14 मैक्स देखने को मिलते हैं, वहां पर आपको A15 चिप भी देखने को मिलेगी, जो कि स्मार्टफोन का सबसे बड़ा डिसपॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो इन सारे स्मार्टफोन्स में आपको A16 चिपसेट देखने को मिलनी चाहिए थी, बट एप्पल इस बार कॉम्प्रोमाइज कर रहा है अपने नॉर्मल सीरीज में और प्रो सीरीज को काफी इनहेंस कर रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो आपको A16 चिपसेट 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। वहीं पर अगर बात करें A15 चिपसेट तो वो सिर्फ आपको 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। बाकी अगर आप देखें तो A15 चिपसेट भी आपको बहुत ही पावरफुल देखने को मिल जाएगी, बट अगर कंपेयर करें A16 से तो यहाँ पर आपको जो है 30% तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है कैमरा क्वालिटी के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको जो है मेन कैमरे में बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा प्रो सीरीज में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 40 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसमें हमें OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है नॉर्मल सीरीज की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको सिर्फ 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखें टेलीफोटो लेंस तो वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा, 3x तक का ऑप्टिकल जूम लेंस देखने को मिल जाएगा। कैमरा क्वालिटी के रिगार्डिंग आपको इतना चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर मेन कैमरे में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है प्रो सीरीज में। बट नॉर्मल अगर बात करें 14 और 14 मैक्स में तो वहां पर आपको जो है सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरा ही देखने को मिलेगा। बाकी अगर देखें तो इंप्रूवमेंट आपको थोड़ी सी देखने को मिल सकती है सिनेमैटिक मोड में इन सारे स्मार्टफोन्स में। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है बैटरी लाइफ के बारे में। यहाँ पर आपको बैटरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जैसे कि आपको पता है कि 13 सीरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप 13 के किसी भी स्मार्टफोन के यूजर्स हैं तो यहाँ पर आपको 13 सीरीज में बहुत ही ज्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 12 सीरीज से। यहाँ पर 13 सीरीज की अगर हम बात करें तो इससे आपको 2 आवर्स प्लस बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा आईफोन 14 सीरीज में। यानी कि आपको 2 आवर्स तक का एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा आईफोन 14 सीरीज में। और वहीं पर अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो यहाँ पर आपको जो 14 में देखने को मिलेगी 3200mAh की लार्ज बैटरी लाइफ, 14 मैक्स में देखने को मिलेगी 4300mAh की लार्ज बैटरी लाइफ, 14 प्रो में देखने को मिलेगी आपको 3200mAh की लार्ज बैटरी लाइफ, और वहीं पर अगर बात करें लार्ज 14 प्रो मैक्स में तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी 4300mAh की लार्ज बैटरी लाइफ। तो इस बार बैटरी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आईफोन 14 सीरीज में। सो ये इसके कुछ अब तक की लीक्स जो कि हमें आईफोन 14 सीरीज की देखने को मिल जाती है। और इसकी और भी नई लीक्स निकल कर आएगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ मतलब बेल आइकन दबाकर और बस चैट जरूर करना ताकि आपके भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो मिलते अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।